अगर x प्लस वन अपॉन एक्स थ्री दे रखा है तो x की फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की फाइव क्या होगा? देखो इसका फार्मूला होता है हमारा इसको सोल्व करने का, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। अगर मैं इसमें से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस कर दूंगा तो हमारा निकल के आएगा एक्स की फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की फाइव। अब हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तीन दे रखा है तो एक्स स्क्वेयर यहां से हम निकाल लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर क्या होगा? देखो तीन का स्क्वेयर, इसमें से दो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सात। अब हमें यहां से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब भी हम यहां से निकाल लेंगे, तीन का क्यूब करेंगे माइनस में तीन का तीन गुणा, और ये आ जाएगा हमारा तीन तीन होते 27 में से 9 गए 18। अब हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पता है सात है, गुणा में एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब पता है हमें 18 है, तो ये 18 और माइनस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तीन है ये हमें पता है ऑलरेडी, तो इसको गुणा करेंगे तो 17 18 सात 126 और ये माइनस तीन, तो आंसर हमारा जाएगा 123, ये आंसर हो जाएगा हमारा।